पिहोवा कुरुक्षेत्र हाईवे की खस्ता हालत। जो हाईवे पिहोवा से कुरुक्षेत्र की तरफ जाता है उस हाईवे की इतनी खस्ता हालत है कि कई जगह पर कई कई फुट गड्ढे बने हुए हैं, जिस कारण आने वाले वाहनों का भारी नुकसान हो रहा है। यह हाईवे दो साल में दर्जनों बार बन चुका है, परंतु घटिया मटेरियल लगाने के कारण यह रोड कुछ ही दिन चल पाता है। इसमें बहुत गहरे गड्ढे पैदा हो जाते हैं, परंतु प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इस हाईवे पर रेत के भारी डंपर हर रोज सैकड़ों की तादाद में चलते हैं, परंतु उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यह डंपर अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं गुना अधिक रेत लाद कर ले जाते हैं, जिस कारण एक साइड की सड़क बुरी तरह नीचे बैठ गई है और जगह जगह से टूट गई है। जब अनजान लोग इस हाईवे से गुजरते हैं तो इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं घट जाती हैं, परंतु प्रशासन अपनी ही नींद सोया हुआ है। सरकार ने आम लोगों के लिए तो चालान जारी कर दिए हैं, परंतु रेत माफिया पर कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही है, जिससे प्रशासन और रेत माफिया का आपस में मिली भगत का अंदेशा होता है। इस हाईवे पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घट रही है, परंतु इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आम जनता ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है कि इस हाईवे को अच्छे मटेरियल से बनाया जाए, परंतु मटेरियल इतना घटिया स्तर का होता है कि अगले ही दिन रिपेयर की गई सड़क टूट जाती है और इसमें तारकोल नाम मात्र की ही डाली जाती है, जिस कारण यह सड़क के पहले से भी बदतर हाल हो चुके हैं। इसके अलावा बरसात के दिनों में तो इसका और भी बुरा हाल हो जाता है। लोगों ने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि इस हाईवे को अच्छे मटेरियल से बनाया जाए और इन डंपरों पर पाबंदी लगाई जाए, जिस कारण यह हाईवे बच सके।